निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए दिनेश शर्मा। आज दिनेश शर्मा विधानसभा में 3 बजे लेने जाएंगे प्रमाण पत्र। तो निर्विरोध चुन लिया गया है राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को, और कोई और यहां पर उनके सामने नहीं था, किसी और की ओर से नामांकन नहीं भरा गया था, तो सीधे सीधे निर्विरोध राज्यसभा के सांसद चुन लिए गए हैं दिनेश शर्मा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज दिनेश शर्मा विधानसभा में 3 बजे प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट लेने के लिए दिनेश शर्मा जाएंगे। सीएम योगी ने गोरखपुर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत की है। आपको बता दें कि अमृत कलश योजना के तहत बीजेपी शहीदों के घर जाकर वहां से मिट्टी लाकर उन्हें नमन कर रही है। उन्होंने पार्टी नेताओं को एक घड़े में मिट्टी देकर महानगर में कार्यक्रम का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव पूरी विविधता और दिव्यता के साथ मना रहा है। यह हम सब का सौभाग्य है कि आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में हम सबको नए भारत का दर्शन हो रहा है। इसे हर विकास खंड से ये क्लस एकत्र होकर के लखनऊ और फिर दिल्ली के लिए जाएंगे। लखनऊ में आज़ादी का अमृत कलश की स्थापना हुई है, उस पवित्र कलश के स्तर पर ही स्थल पर ही प्रदेश का कलश स्थापित होगा। एक वाटिका इसकी वहाँ पे स्थापित हो रही है जो प्रदेश भर से कलेक्ट होगा, जिसमें लगभग 1500 स्थलों पर, जिसमें 825 विकास खंड हैं और 762 नगर निकायों से भी एक कलश वहां एकत्र होंगे, जो 75 शोभा यात्रा के माध्यम से लखनऊ पहुंचेंगे, फिर लखनऊ से एक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से हर जनपद से 2-2 कलश जाएंगे, हर नगर निकाय और विकास खंड से 2-2 कलश जाएंगे। G20 समिट में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए डिनर के लिए आमंत्रित में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचने वाले थे। तो जो निमंत्रण दिया गया है राष्ट्रपति की ओर से, उसमें दोनों को पहुंचना है, चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो या फिर उत्तर प्रदेश के। दोनों सीएम डिनर में शामिल होने के लिए दिल्ली आएंगे। पुष्कर सिंह धामी आज शाम को 5:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, वहीं सीएम योगी कल दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर को G20 में आ रहे राष्ट्र प्रमुखों और खास अतिथियों को प्रेसिडेंट हाउस में डिनर के लिए आमंत्रित किया है। माना जा रहा है कि इस डिनर में भारतीय व्यंजनों के साथ कॉन्टिनेंटल डिशेस को भी परोसा जाएगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के लिए रवाना हो गए हैं। वो आज शाम को दिल्ली पहुंच जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शाम को करीब 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में राज्यमंत्री वीके सिंह एयरपोर्ट पर जो बाइडेन का स्वागत करेंगे। जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो G20 मेंबर्स के मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस समिट में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल होगा। इसके अलावा 9 और देशों को समिट में गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। दिल्ली के आसपास बने एयरपोर्ट हिंडन एयरबेस, अंबाला, सिरसा, भटिंडा, डिफेंस एयरबेस को भी अलर्ट पर रखा गया है। एयरफोर्स ने फाइटर जेट राफेल एंटी ड्रोन सिस्टम के अलावा 70-80 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट करने वाली मिसाइलें तैनात की हैं। सड़क पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। G20 समिट में आ रहे राष्ट्राध्यक्षों को पीएम मोदी स्मृति चिन्ह के रूप में पीतल से बनी कमलीकृतियां कमलम देंगे और इसे यूपी के महोबा के मेटल आर्टिस्ट ने बनाया है। मनमोहन सोनी का नाम है जिन्होंने इन्हें तैयार किया है। 9 सितंबर से दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आ रहे विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को स्मृति चिन्ह के रूप में कमलम भेंट किया जाएगा। मनमोहन के बनाए गए कमलम को 8 महीने पहले चयनित कर लिया गया था। साल 1998 में राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार, 1997 में नेशनल मेरिट अवार्ड और 2012 में नेशनल अवार्ड जीतने वाले मनमोहन सोनी पीतल की कलाकृतियां गढ़ने में माहिर हैं। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।